अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। आई एम योर एसएसटी टीचर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन नेम्ड द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस यानी यूरोपीय अकवाम की आमद। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द मेन गुड्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर की जो अहम अशिया थी उनके नाम बताने हैं, वो कौन सी थी। स्पाइसेस एंड जूल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट वर द मेन गुड्स। सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर की जो अहम अशिया थी उसमें मसाले और जवाहरात शामिल हैं। नंबर 2, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमरीका किसने दरियाफ्त किया था। कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलम्बस ने अमरीका दरियाफ्त किया था। नंबर 3, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस अराइव इन इंडिया। हिंदुस्तान में आने वाले पहले यूरोपी कौन थे। द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया वर द पोर्तुगीज फॉलोड बाय द डच द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। अब हिंदुस्तान में पहले यूरोपियंस जो आए थे, जिनकी आमद हुई थी, उनमें सबसे पहले पुर्तगाल यानी के पुर्तगाली हैं, उसके बाद डचेस यानी के वेलंदेजी, फ्रेंच यानी के फ्रांसीसी एंड द ब्रिटिश यानी के उसके बाद अंग्रेज आए थे। हेयर वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ ट्रेड बाय लैंड एंड सी। ज़मीनी रास्ते से और समुद्री रास्ते से तिजारत करने का नुकसान क्या था। ड्रॉबैक कहते हैं डिसएडवांटेज को यानी के नुकसान को। तो जब ज़मीनी रास्ते से या समुद्री रास्ते से तिजारत की जाती थी तो उसका नुकसान क्या था। बाय लैंड एंड सी देयर वर सम स्टॉर्म्स एंड पायरेट्स। जब ज़मीनी रास्ते से या समुद्री रास्ते से तिजारत की जाती थी तो उसमें सबसे पहला ख़तरा तूफान का होता था। एंड पायरेट्स, पायरेट्स कहते हैं बहरी कज़ाकों को यानी के समुद्री डाकुओं को। तो जितना ख़तरा तूफ़ानों का होता था उतना ही ख़तरा बहरी डाकुओं का यानी समुद्री डाकुओं का भी होता था। हु अटैक द मर्चेंट शिप्स, जो कि ताजरों के ऊपर हमला कर देते, ताजरों की जहाज़ों पर हमला कर देते थे और जितना भी माल होता था वो लूट लेते थे। बोथ वेज वर वेरी डेंजरस, और इसमें ये दोनों ही जो ज़राए थे यानी कि चाहे समुद्र के रास्ते से तिजारत की जाती या ज़मीन के रास्ते से, ये दोनों ज़राए ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। द लैंड रूट हैड टू क्रॉस टेरेबल डेजर्ट्स। उसके अलावा अगर ज़मीनी रास्ते से तिजारत करनी भी पड़ती थी या कोई ज़मीनी रास्ता इख्तियार करता भी था तिजारत के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेगिस्तानों में से गुजरना पड़ता था। हेयर वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 23। अब सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1, द लैंड रूट हैड टू क्रॉस डैश डेजर्ट्स, आंसर इज टेरिबल। नंबर 2, अर्थ वॉज राउंड लाइक अ बॉल एंड नॉट फ्लैट लाइक अ डैश, यानी कि आंसर प्लेट। नंबर 3, वन शिप विद डैश सेलर्स वुड कैरी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ गुड्स, आंसर इज 40। नंबर 4, फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया वर डैश पोर्तुगीज। नंबर 5, द शिप्स केम डैश इन अ ईयर फ्रॉम यूरोप ट्वाइस। सेक्शन नेम्ड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हेयर वी हैव सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मिनरल्स। मादनियात क्या है। मिनरल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर डग अप फ्रॉम द ग्राउंड। मिनरल्स यानी मादनियात सब्सटेंसेज हैं यानी कि मादा है, जिसे हम ज़मीन में से या फिर मुख्तलिफ माइंस यानी कि कान में से खोद कर निकालते हैं। वेयर इज़ ऑयल फाउंड, ऑयल के रिजर्व्स कहाँ पर हैं यानी तेल के रिजर्व्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। आंसर इज ऑयल इज़ फाउंड इन वेस्ट एशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, द गल्फ स्टेट्स एंड मलेशिया हैव वेरी लार्ज अमाउंट्स। ऑयल के रिजर्व्स वेस्ट एशिया में ईरान, सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स और इसके अलावा मलेशिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ सम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मिनरल्स। हमें कुछ ऐसी मादनियात के नाम बताने हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हो, बहुत कीमती हो। सम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मिनरल्स आर गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम एंड प्लैटिनम। अहम और कीमती मादनियात में सोना, चांदी, यूरेनियम और प्लैटिनम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए अहम धात कौन सी है। आयरन एंड अदर मेटल ओर्स आर फेयरली वैल्यूएबल। आयरन यानी कि लोहा और मेटल ओर्स, जिसे हम कच्ची धातें या खाम धात भी बोलते हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एज दे आर बेसिक नीड फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक नीड के तौर पर या एक अहम ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स का यूज़ क्या है। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री। नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो इन केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ओके क्लास, अब हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे, राइट अ नोट ऑन कोल। कोल पे हमने एक नोट लिखना है, कोल यानी कि कोयला। पाकिस्तान हैज अ फेयर सप्लाई ऑफ कोल।
पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी जो है अमाउंट में कोयला फराहम करता है, बट मच ऑफ इट इज़ लो क्वालिटी। लेकिन इसमें से आधी से ज़्यादा जो अमाउंट है वो लो क्वालिटी कोयले की है। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सल्फर गैस एंड ऐश व्हेन इट इज़ बर्न्ड एंड डज नॉट गिव आउट मच हीट। अब इस कोयले को जो पाकिस्तान हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, कोयले की चूंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए जब इसे बर्न किया जाता है तो ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बल्कि उसकी जगह पर ये सल्फर गैस और ऐश यानी कि राख बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रिक मेकिंग। उसके अलावा कोयले को ईंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईंटें बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी कोयले को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट डाउन सम एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के कुछ एडवांटेजेस बताने हैं। आंसर, नेचुरल गैस कैन बी यूज इन इंडस्ट्री फॉर हीटिंग बॉयलर्स। अब नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है वो कि बॉयलिंग प्रोसेस में यानी कि चीज़ों को गर्म करने के लिए या उनको हीट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट मोर स्पेशली एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर। लेकिन फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने में ये एज अ रॉ मटेरियल यानी खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इट कैन बी कंप्रेस्ड इन टू स्टील बॉटल्स एंड यूज फॉर कुकिंग इन होम्स। इसके अलावा कुदरती गैस को स्टील बॉटल्स में कंप्रेस कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, और उसके अलावा इसे घरों में कुकिंग के प्रोसेस के लिए भी यानी खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव है, ब्लैंक्स है। सबसे पहले अब हम देखते हैं, नंबर वन, लाइम स्टोन सॉल्ट एंड अदर रॉक्स आर नॉट एज डैश एज अदर मिनरल्स। आंसर होगा वैल्यूएबल। नंबर टू, डैश हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। आंसर है मलेशिया। नंबर थ्री, देयर आर अ नंबर ऑफ डैश माइंस इन पाकिस्तान। आंसर है हमारा आयरन। फोर, ऑल डैश कंट्रीज ऑल्सो हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स। आंसर आएगा थ्री। नंबर फाइव, देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्रीशियस डैश जेम्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था SST का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।